नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से आ रही है। खबर है खाकी को शर्मसार करने वाले थाना प्रभारी की, जिस पर आरोप लगा है कि उसने एक लड़की को बंधक बनाकर 4 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जी हाँ, आपको बता दें कि गंदवानी थाना प्रभारी नरेश सूर्यवंशी ने 4 दिनों तक युवती को शासकीय निवास पर बंधक बनाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। आइए अब आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। जानकारी के अनुसार गंदवानी थाना प्रभारी सूर्यवंशी ने इंदौर जा रही पीड़िता को बस से उतारने के लिए बहन का केस का दबाव बनाया और पीड़िता को थाना प्रभारी ने फोन पर बताया कि बस से नहीं उतरी तो उसकी बड़ी बहन का केस हल नहीं होगा। थाना प्रभारी ने पीड़िता को बस से उतार कर अपने शासकीय निवास पर ले जाकर बंधक बना लिया। पीड़िता के विरोध करने पर थाना प्रभारी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि थाना प्रभारी ने उसे बंधक बनाकर 4 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और कई बार छूटने का भी प्रयास किया, मगर जान से मारने की धमकी देता रहा। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर नरेश सूर्यवंशी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। धार से अमर वर्मा तथा धीरेश पटेल की संयुक्त रिपोर्ट। कन्हैया, कहाँ रहते हो? आज ये मनाओ पुलिस थाना में आप लोग आए हैं, किस लिए आए हैं बताओ? ये लड़के के बारे में आए। क्या हुआ लड़के को? लड़के को हम जैसे रिपोर्ट करने गए थे। कौन से गांव में? गंदवानी थाने में। अच्छा, क्या हुआ था बताओ। फिर उसने बोला, मैंने रिपोर्ट लिखवाने के बाद में फिर छोरा छोरी उनको मतलब बुलाया उधर कटारपुरा से, जवाई को और छोरी को। छोरी तो मेरे पास थी, तो फिर जवाई को बोला, तो फिर बुलाया, तो फिर हमको बुलाने के बाद में उसने पीआई साहब ने अब मैं मुन्ना को ले आया। मुन्ना कौन? आपका जवाई? हाँ, मेरा जवाई, बड़ा जवाई, बड़ी बेटी से जिसकी शादी हुई थी। हाँ। तो क्या उन दोनों में विवाद हुआ था जिसको लेके आप थाने पे गए थे? तो इनका झगड़ा मतलब छिनाला के बारे में मतलब हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में फिर वो मारा, तो फिर ये छोरे कहे कि पापा मैं नहीं जाऊँगा कहे। अच्छा, रिपोर्ट कर, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगा कहे। फिर ये एक लिए आए थाने पे। हाँ। तो फिर पीछे में चौकीदार को लेके आया। हाँ। चौकीदार को लेके आया तो फिर उसने बोला, फिर उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखवाने आया था। हाँ, रिपोर्ट लिखवाने आया। तैयारी कर रखी थी? तैयारी चार तो साड़ी थी कि। अच्छा, छोरी ने? हाँ। तो मेरे को आती नहीं साड़ी पहनना। हाँ। जबरदस्ती पहनाया थी। हाँ। फिर इसने बाद में पकड़ लिया मेरे को। अच्छा, बाद में पकड़ने के बाद में इसने फोटो लिखे। हाँ। माला डाल लिया, कैन फोटो लेके, फिर हंसा के इसको हंसाया छोरी को, जबरदस्ती हंसाने की कोशिश। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इसने मांग भर दी सेंदो। अच्छा, फिर उसके बाद में इसने छोरी कह रही कि मेरे को आने नहीं दे रहा वापस। तो कितने दिन से लड़की वहाँ पे टीआई के निवास स्थल पे थी? ये चार दिन तक। अच्छा, 3-4 दिन तक बंधक बना के रखा? बंधन बना, ताला दे के मतलब जाता था ड्यूटी पे। अच्छा, कोंड के जाता था? बाहर से ताला लगा के जाता। फिर उसने लड़की को बोला कि ऐसे ऐसे बयान देना, तेरे माँ बाप को मैंने 1 लाख रुपए दिए। अच्छा, किस चीज़ के लेके दिए 1 लाख रुपए? ये शादी करने के लिए दिया कहीं। अच्छा, तो लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप को क्यों तू बदनाम बना? हाँ हाँ, जबरदस्ती। हाँ, फिर तो या फिर धमकी दी इसने, फिर और कहीं दिया होगा इसको, फिर रोने लग गई। आपको पैसा मिला है 1 लाख? नहीं, कोई 1 लाख रुपए नहीं मिला मेरे को। अच्छा, मतलब ये बताया कि हमने तेरे माता पिता से 1 लाख रुपए में तेरे को खरीद लिया है? हाँ, माता पिता को खरीद लिया, यूँ बोले वो श्रीवंशी सर। अच्छा, उसके बाद? फिर उसके बाद में अब क्या है? लड़की किसके साथ जाना चाह रही है? लड़की जा रही है मेरे साथ। आपके? हाँ, मैं मेरे बाप के साथ जाऊँगी। अच्छा, लड़की के साथ उन्होंने खोटा काम किया क्या? कमरे में कराने खोटा काम भी करा है? हाँ, दे जबरदस्ती करने की भी कोशिश करी? जबरदस्ती हुई है, जबरदस्ती करी। सर, गंदवाने वाले मामले में जो टीआई साहब पे क्या कार्रवाई हुई? सर, देखिए, उन पे 376 और 506
और 453 का मामला पंजीकृत किया गया है और महिला की कंप्लेंट भी किया गया है जिससे उन्होंने 4-5 दिन पहले शादी की थी और अभी उनको जल्दी ही गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर बंधक बनाने की जो पुष्टि सही हो रही है? हाँ, लड़की ने जो कंप्लेंट की उस धाराओं में कायमी की गई है। और JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।